हाई गाइज एंड बैक विद द न लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वर्ड्स जिनको आपको अपनी वोकैबलरी में फटाफट से एड कर लेना है वर्ड को हम बिल्कुल चुटके हमें ऐड कर लेंगे कैसे बाई अंडस्रस्टैंडिंग की कौन सा प्रिफिक्स कौन सा सफिक्स एंड कौन सा रूट वर्ड इन वर्ड्स को फॉर्म करने के लिए यूज किया गया है वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दीज वर्ड्स नॉट गोइंग टू द रटाफिकेशन ताकि जब भी आपको ये वर्ड्स यूज करने हो कहीं पर आप बहुत ही इजिली यू कैन प्ले अराउट विद दिस वर्ड्स डोंट फॉर गेट टू वॉच द वीडियो टिल एंड क्योंकि लास्ट में आपको मिलने वाली है शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम है जंगल सीक्रेट्स पार्ट वन ऑल्शो डू द डेफिनेटली आपको एक्सरसाइज जरूर अटेम्प्ट करनी है क्योंकि दैट विल एन्श्योर कि आपने जितना भी इस वीडियो में देखा है वो सारा का सारा आपके दिमाग में बहुत ही अच्छे से सेटल से हो जाएगा लाउ लेट स्टार्ट कि कौन कौन से रूट वर्ड प्रिफिक्स सफिक्स हम इस वीडियो में यूज़ करने वाले हैं नॉट ओनली दीज हम और भी जो साथ के साथ प्रिफिक्स सफिक्स आते जाएंगे मैं वो साथ के साथ आपको वो भी बताते जाऊँगी फर्स्ट है टेकलियर इसका मतलब होता है टेकल करना गुदगुदी प्रो इस प्रफिक्स इसका मतलब होता है बिफोर स्क्रिप्टस या फिर स्क्राइबो का मतलब टू राइट डी मतलब डाउन नीचे मैनस का मतलब हाथ सब मतलब अंडर पोस्ट मतलब आफ्टर कॉम मतलब टू गैदर प्लेयर मतलब टू फिल एड इज टू या फिर टू वर्ड का मतलब होता है स्वीट हाई गाइज वेलकम बैक टू द थार दी अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना सपोर्ट करिए मुझे ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस, इम्पोर्टेंट वीडियोस बनाते रहूँ ऑल्सो यू कैन कंटिन्यू इम्प्रूविंग योर इंग्लिश हर दिन बिना एक्चुअली पुटिंग एनी हार्ड वर्क चलिए स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट वर्ड इज प्रोस्क्राइब प्रोस्क्राइब बना किसा प्रिफिक्स प्रो एंड स्क्राइब जो हमारा रूट वर्ड है स्क्रिबो यानी कि टू राइट पहले के टाइम पे एक ऐसा पर्ची पे लिख के नोटिस uh, बोर्ड पे लगा दिया जाता था चौहराए के ऊपर कि इन लोगों का निषेध है या फिर कुछ इनको इनका बहिष्कार करना इस तरीके से नाम लिख दिए जाते थे तो उस चीज से uh, उस चीज का ना हो वहां पे नाम ना लिखा जाए तो उस लिए ये वर्ड का फॉर्मेशन हुआ है कि समथिंग किसी चीज़ का निषेध करना मना कर देना कि एक नाम ना लिखा जाए तो प्रेजेंट में इसका मीनिंग है कि गवर्नमेंट या फिर कोई अथॉरिटी आपको अलाउड नहीं करती कुछ काम करने के लिए कोई तो कोई पर्टिकुलर काम करने के लिए या कहीं पे जाने के लिए फॉर एग्जाम्पल जनरल पीपल आर प्रिस्क्राइब फ्रॉम विजिटिंग एनशियंट केव्स तो जनरल पब्लिक को का जाना मना है निषेध है कहाँ पे एंशंट केव्स में इसका जो पास्ट फॉर्म है उसको हम प्रोस्क्राइब्ड बोलेंगे एंड इसका जो नाउन फॉर्म है उसको बोलेंगे प्रिस्क्रिप्शन आई एन यहाँ पे देखेंगे तो इट्स इट इज़ अ कॉमन नाउन सफिक्स नेक्स्ट इज डिस्क्राइब डी इज डाउन डी डी इज इसका जो प्रिफिक्स है वो डाउन है एंड स्क्राइब इज अगेन टू राइट तो किसी चीज़ का वर्णन करना टू से टू से वॉट सम्बर ही समथिंग इज़ लाइक या फिर वॉट हैपन्ड किसी चीज़ का वर्णन करना किसी को डिस्क्राइब करना फॉर एग्जाम्पल वी डोंट अंडरस्टैंड द एनिमल लैंग्वेज बट द बैकग्राउंड डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्स एवरीथिंग वो पूरा वर्णन कर दे रही है जबकि यहाँ पर जो स्क्राइब है ये टू राइट डाउन है राइट यहाँ पर अगर हम देखे देंगे सीधा सीधा इसका मतलब टू राइट डाउन है बट इट इज ऑल्सो इट इट इज पॉसिबल कि आप उसको वोकली uh, भी डिस्क्राइब करेंगे वोकली जब बोले का वर्णन वोकल वर्णन करेंगे तो भी हम उसको डिस्क्राइब बोलते हैं नेक्स्ट इज मेन्यूस्क्रिप्ट मेन्यूस्क्रिप्ट बना है मैनस यानी कि हैंड से स्क्रिप्ट इज राइट से जो हाथ से लिखा हुआ है अ कॉपी ऑफ अ बुक या फिर पीस ऑफ म्यूजिक म्यूजिक जो उसकी प्रिंटिंग होने से पहले जब बुक का प्रिंटिंग हो जाएगा तो वो बुक है ठीक है लेकिन जो हैंड रिटन है उससे पहले उस वाले को उसको बोलते हैं मेन्यूस्क्रिप्ट फॉर एग्जाम्पल फ्राम ओल्ड मैन स्क्रिप्ट अबाउट दिनिमल बिहेवियर लॉट ऑफ इंस्परेशन इज टेकन पुरानी जो हैंड रिटर्न नोट्स थे उन किसके लिए एनिमल बिहेवियर के लिए वहाँ से काफ़ी सारी इंस्परेशन ली गई है सब्सक्राइब सब्सक्राइब देखेंगे अंडर सब इसका परफिक्स है एंड सब्सक्राइब इज जो इज टू राइट डाउन अगेन इसका मतलब होता है कि आप अंडर के कॉन्ट्रैक्ट हैं किसी से जैसे कि आपने किसी को पैसे दे दिए वो हर महीने आपको न्यूज़पेपर देगा तो सब्सक्राइब करा हुआ है सदस्यता ली गई है टू टू पे फॉर अ न्यूज़पेपर मैगजीन टू सेंड इट रेगुलरली सब्सक्राइब जैसे कि आप मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं तो पहले के टाइम में क्योंकि सिर्फ न्यूज़पेपर पेपर मैगजीन्स को सब्सक्राइब किया जाता जा सकता था आजकल तो आपका प्राइम प्राइम का है अमेजोन प्राइम का नेटफ्लिक्स का सबका सब्सक्रिप्शन आता है तो टू तो सब्सक्राइब टू तो अंडर द कॉन्ट्रैक्ट कि आई हैव पेड आई हैव पेड यू सर्टन अमाउंट एंड यू विल बी गिविंग मी सर्विस फॉर द फ्यूचर फिक्सड अमाउंट ऑफ द टाइम फॉर फिक्सड अमाउंट ऑफ टाइम अब यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं इनफैक्ट दे आर स्टिल सब्सक्राइब्ड टू सम ऑफ द ओल्ड राइटर्स लेटर वो अभी भी सब्सक्राइब्ड हैं किसके पुराने जो आ, राइटर्स हैं उनके लेटर्स को अभी भी सब्सक्राइब उन्होंने किया गया उन्होंने किया हुआ है इंस्क्राइब इंस्क्राइब देखेंगे इन राइट इन किसी चीज़ के अंदर लिखना यानी कि गोद गोद के लिखना ऐसे खुरेद खुरेद के कार्व करके लिखते हैं टू तो राइट और कट टू तो कट या फिर कार्व वर्ड्स ऑन समथिंग ठीक है एक तो राइटिंग हो गया एक होता कुरेदना कुरेद कुरेद के जो पहले के टाइम पे केव्स के अंदर जो काव काविंग के से लिखी हुई जो लैंग्वेज uh, होती थी वो भी मिली है एंड कुछ जो पेंट से या फिर किसी कलर से भी लिखी हुई मिली है तो काव्ड वन को बोलते हैं इंस्क्रिप्ट फॉर एग्जाम्पल दे दैम सेल्व हैव मैंशनड इन लेटर मैंशनड इन लेटर्स अबाउट लॉट ऑफ इंस्क्रिप्शन अबाउट एनिमल स्पीशीज तो लेटर्स में उन्होंने काफ़ी सारे इंस्क्रिप्शंस के बारे में लिखा हुआ है किसके एनिमल स्पीशीज के बारे में पोस्टक्रिप्ट पोस्टक्रिप्ट में देखेंगे इसका बना आफ्टर आफ्टर पोस्टक्रिप्ट तो आपने जब पूरा लिख लिया है जब जैसे ये पूरा हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इसके नीचे अगर मैं स्टार मार्क करके छोटा छोटा लिख दूँ राइट right? पूरा मेरा लिखने के बाद में उसके बाद में पोस्ट लिखने के बाद में जो यहाँ पे मैंने नोट्स लिखे हैं इनको बोलते हैं पोस्टक्रिप्ट एन एक्स्ट्रा मैसेज और एक्स्ट्रा इन्फॉमेशन इज एडेड एट द एंड ऑफ द लेटर और नोट्स एक्सेट्रा उसको बोलते हैं पोस्टक्रिप्ट ठीक है फॉर एग्जाम्पल सम यूजफुल इन्फॉर्मेशन कैन ऑल्सो बी फाउंड इन पोस्टक्रिप्ट ऑफ दर लेटर्स तो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी हमको उनके लेटर्स में मिल जाती है कहाँ पे उनके पोस्टक्रिप्ट में नेक्स्ट वर्ड इज टिटलेट टिटलेट का ओरिजिन कहाँ से हो टिटलेयर से यानी कि टू टैक्ल करना गुदगुदी करना बट इन अ सेंशल वे टू एक्साइट और इंटरेस्ट समबड़ी बड़ी स्पेशली इन अ सेंशल वे राइट फॉर एग्जाम्पल हाउ अ लॉइन स्टार्ट विद द लिटिल कॉम्प्लीमेंट टू द लॉयनस लॉयनस को छोटे से छोटे कॉम्प्लीमेंट देता है छोटे छोटे जेस्चर के साथ बिफोर ट्रिटलेशन राइट उनका सेंशल वे में प्रोसीड करने से पहले छोटे छोटे कॉम्प्लीमेंट देता है तो इसका जो नाउन फॉर्म है उसको बोलेंगे ट्रिटलेशन बिकॉज आई एन इज अउंस ऑफिक्स नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट किससे बना है कॉम्प्लीमेंट कॉम टू प्रिफिक्स हमारा कॉम यानी कि टूगेदर प्लेयर इज टू फिल आप साथ में बहुत सारी एड्... उसको एडमिरेशन देना बट इन अ पॉजिटिव वे टू स्टेटमेंट ऑफ एक्शन या फिर आप आपके जेस्चर्स दिखा रहे हो जैसे कि लॉयन दिखाता है तो एडमायर समबड़ी ठीक है फॉर एग्जाम्पल द लॉयन गिव लिटिल कॉम्प्लीमेंट्स टू द लॉयनर्स विद स्मॉल स्मॉल जेस्चर छोटे छोटे जेस्चर्स के बिकॉज दे के नॉट स्पीक तो जेस्चर ही बता सकते हैं तो दे ही गिव स्मॉल स्मॉल जेस्चर्स टू कॉम्प्लीमेंट की उसकी तारीफ करने में उसकी प्रशंसा लॉइनेस की करने के लिए वो छोटे छोटे जेस्टर्स दिखाता है जबकि कॉम्प्लीमेंट एक पॉजिटिव वर्ड है वही एडुलेशन एक नेगेटिव सेंस में लिया जाता है ये तारीफ करना बट टू मच तारीफ करना बना कैसे है एड यानी कि टू वर्ड लि डिस स्वीट टू मच स्वीट इतना स्वीट कि वो चापलूसी लगे मनुहार लगने लग जाए विच इज लिटिल बिट इन अ नेगेटिव वे ठीक है टू मच नॉट रिक्वायर्ड कॉम्प्लीमेंट तक ठीक है बट एडुलेशन इज चापलूसी लिटली चापलूसी एडुलेशन इज अगेन आप इसके सफिक्स से देख सकते हैं इट इज़ अ नाउन फॉर्म ठीक है एक्सट्रीम एडिलेशन फॉर एग्जाम्पल लॉय गिवस एडल एडुलेट्री ग्लांस टू कीप द लॉयनस हैप्पी यहाँ पे ओ आर वाई जब देखेंगे इट इज़ अ नाउन सफिक्स तो एडुलेट्री ग्लानस uh, जो है देता रहता है टू कीप द लॉयनस हैप्पी नॉर्मल ह्यूमन बींग में जो चापलूसी हो जाएगा बट एनिमल लोगों में ये सब इतना ज्यादा मैटर नहीं करता बिकॉज दे कांट स्पीक ठीक है तो बट दैट वे उतना जितना ज्यादा वो उसकी तरफ से तरफ अच्छे अटेंशन uh, देगा लॉयनस ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी दैट मच हैप्पी एडुलेटेड इज द पास्ट फॉर्म एंड द ऑब्जेक्टिव फॉर्म इज एडुलेटरी एंड हेयर इज आर बोनस शॉर्ट स्टोरी ऑन नेशनल जियोग्राफिक चैनल वी गेट सो मच इन्फॉर्मेशन अबाउट एनिमल एंड देर बिहेवियर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है कहाँ पर नेशनल जियोग्राफिक चैनल पर एनिमल के बिहेवियर के बारे में कैसे लॉय स्टार्ट लॉयन जो है शेयर स्टार्ट करता है छोटे छोटे कॉम्प्लीमेंट्स के साथ प्रशंसा के साथ लॉयनस विद अ स्मॉल जेस्टर बिफोर टिट्लेशन बिफोर उसको बिफोर प्रोसीडिंग इन अ सेक्शुअल वे एंड कीप एडुलेटरी ग्लैंस कीप द लॉयनस हैप्पी बहुत ही Uh, बहुत ही अटेंशन उसको दे के राइट एंड टिकलिंग करके वॉट एवर दे वॉन्ट टू प्रोसीड विद इस तरीके से वो प्रोसीड करते हैं वी डोंट अंडरस्टैंड ऑब्वियसली हम नहीं समझ सकते एनिमल्स की लैंग्वेज बट क्या होता है जो बैकग्राउंड कमेंट्री है उससे हमको पता चलता है वॉट एग्जैक्टली दे आर डूइंग द बैकग्राउंड कमेंट्री डिस्क्राइब्स वो उसका वर्णन करती है कि वो एग्जैक्टली exactly हो क्या रहा है वहाँ पे फ्रॉम ओल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट अबाउट एनिमल बिहेवियर लॉट ऑफ इंस्पिरेशन इज टेकन चैनल डिक्लेयर्स तो ऑब्वियसली चैनल वालों को कैसे पता चला वो ये सब चीज़ों का वर्णन करते हैं डिस्क्राइब करते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग एनिमल बिहेवियर फ्रॉम ओल्ड मेन्यूस्क्रिप्ट जो पुराने हाथ से लिखे ग्रंथ थे उन ग्रंथ जो होते हैं या फिर हाथ से लिखी हुई जो पुस्तकें हैं उनको देख के उन्होंने वहाँ से इंस्पिरेशन लिए जो कि चैनल ने डिक्लेयर कर दिया है दे रिसर्च डिपार्टमेंट इज स्टिल सब्सक्राइब्ड टू सम ओल्ड राइटर्स जो लेटर्स है जो उनका रिसर्च डिपार्टमेंट है अभी भी उन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है यानी कि सदस्यता ली हुई है किसकी जो पुराने राइटर हैं उनके लेटर्स की दे हैव फाउंड इन लेटर लॉट ऑफ इंस्क्रिप्शन अबाउट एनिमल स्पीशीज उन्होंने लेटर्स में बहुत सारे इंस्क्रिप्शन जो हैं वो दे पढ़े हैं अबाउट के पुरानी एनिमल स्पीशीज़ के बारे में भी सम यूजफुल इंफॉर्मेशन कैन ऑल्सो बी फाउंड इन पोस्क्रिप्ट ऑफ द लेटर तो कुछ इन्फॉर्मेशन जो जैसे कि मैंने बताया लास्ट में छोटे छोटे नोट्स लिखे रहते हैं उसमें जो आ, लेटर के नीचे छोटे छोटे नोट्स लिख रहे हैं तो उनसे भी काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन उनको एक्स्ट्रा मिल जाती है जनरल पीपल आर प्रोस्क्राइब प्रोस्क्राइब फ्राम विजिटिंग दीज केव्स तो यहाँ पर जो केव्स हैं जो नेशनल जोग्राफी में जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं और जहाँ पर ये सब प्रिस्क्राइब uh, करे हुए इंस्क्रिप्शन वगैरह मिले हैं वहाँ पे जाने से जनरल पब्लिक को का को प्रोहिबिट किया हुआ है तो दैट्स आर शॉर्ट स्टोरी एंड नाउ इट इज़ टाइम कि आप, आपको पता चल गया क्या वर्ड है प्रफिक्स अफिक्स क्या है वर्ड्स के मीनिंग भी पता चल गए एंड यू हैव ऑल्सो हर्ड अ इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी अब आपको करना क्या है एंड राइट डाउन द मीनिंग ऑफ ऑल द वर्ड्स जो आपने इसमें देखे हैं एंड राइट डाउन द एग्जाम्पल सेंटेंस जो आप बनाएंगे राइट सो दैट इट विल इंश्योर कि आपके दिमाग में उनका जो मीनिंग है बहुत अच्छे से सेटल हो गया है एंड देन यू आर ऑल्सो गोइंग टू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि जो हमारे परफिक्स सफिक्स एंड रूट वर्ड्स जो हमने देखे थे उनके मीनिंग भी आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली लिखिए एंड आई एम श्योर दैट इज गोइंग टू बी रियली रियली हेल्पफुल ताकि आपको सारे के सारे वर्ड्स बहुत अच्छे से याद हो जाए तो दैट सेटकाइस अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और किसी भी तरीके से हेल्पफुल था आपकी कोई भी नॉलेज में इंप्रूवमेंट हुई है तो डेफिनेटली आप भी मेरे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं जस्ट बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल ऑल्सो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके चलिए वापस से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया कुछ एक्साइटिंग एंड कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने के लिए टिल देन टेक केयर योर सेल्फ एंड बाय